देखो फाइनली फ्री फायर लेग पिक्स विद द हेल्प ऑफ सेट एडिट पार्ट टू लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एकदम लेटेस्ट टॉप 5 कमांड्स के बारे में। अगर आप उन कमांड को अप्लाई करोगे तो अगर आपका फ्री फायर लो एंड डिवाइस में लैग करता है, अगर आपके फ्रेम ड्रॉप होते हैं, अगर आपका जो गन वगैरह रिकॉइल होती है, ओवरऑल बात की जाए आप अपनी गेमिंग के परफॉर्मेंस को बढ़ा पाओगे इन कमांड के जरिए। देखो आपको कुछ नहीं करना, कुछ बंदे बोलेंगे लब्बा यार ये सेट एडिट एप्लीकेशन क्या है, तो मैं उनको बता दूं। देखो सेट एडिट एप्लीकेशन आपके फ़ोन के डेटाबेस को चेंज करने वाला एप्लीकेशन है। आपको उसमें कुछ नहीं करना, उसमें आपको कुछ कमांड एंड कुछ वैल्यू को ऐड करना होता है। उसकी वजह से आप क्या कुछ कर सकते हो, आप अपनी गेमिंग की जो लैग को कम कर पाओगे एंड अगर आपकी गन वगैरह रिकॉइल होती है उसको भी कम कर पाओगे, FPS को आप एकदम इंक्रीज कर पाओगे। ओवरऑल बात की जाए आप अपनी गेमिंग के परफॉर्मेंस को एकदम इंक्रीज कर पाओगे, बढ़ा पाओगे, बूस्ट कर पाओगे। ये कुछ होता है सेट एडिट एप्लीकेशन की वजह से। तो बेसिकली सेट एडिट आपके फ़ोन के परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। तो अगर आपका फ़ोन का परफॉर्मेंस बढ़ेगा तो आपके गेमिंग का परफॉर्मेंस तो ऑटोमेटिक बढ़ ही जाएगा। तो ये बहुत अच्छी एकदम एडवांटेज है इस एप्लीकेशन की। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लेना। कौन सी कमांड्स एंड कैसे आपको यूज़ करना है, क्या कुछ करना है वो मैं बताने वाला हूँ। चलिए गाइस हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बता देता हूँ। क्या कुछ करना है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, अपने फोन के देखो प्ले स्टोर में जाना है। अब देखो प्ले स्टोर तो हर एक के फोन में होगा ही, तो आपको देखो प्ले स्टोर में जाना है एंड देखो जब आप प्ले स्टोर में जाओगे ना गाइस आपको ऊपर सर्च करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पर आपको सर्च करना है सेट एडिट। जैसे आप सेट एडिट डालोगे आपके सामने देखो एप्लीकेशन आ जाएगा। 96 KB का एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा छोटे साइज है इस एप्लीकेशन का, बट उसका काम बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो सबसे पहले आपको क्या कुछ करना है, इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है एंड उसके साथ ही मैं आपको बता दूं जो भी कमांड्स मैं बता रहा हूं, ध्यान से अप्लाई करना, जो भी लेटर कैपिटल है वो कैपिटल डालना, जो कुछ भी बोलूं आपको सेम टू सेम डालना है। कुछ अगर गलती करोगे तो आपके फ़ोन में दिक्कत हो सकती है, अगर आप सही काम करोगे ना तो एकदम मज़ा आ जाएगा, बट कुछ गलती मत कर देना ठीक है। तो देखो मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ठीक है। सो गाइस देखो मेरा एप्लीकेशन जो है ओपन हो चुका है, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब मैं आपको कमांड्स को बता रहा हूँ आपको कमांड को कैसे डालना है। अब देखो आपके सामने ऐड न्यू सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखो आपको सबसे पहली कमांड को अप्लाई करना है, कमांड होने वाली है RO। इसके बाद गाइस आपको करना है रो के बाद आपको डॉट लगाना है, इसके बाद गाइस आपको डालना है कॉन्फिग, इसके बाद फिर आपको डॉट लगाना है, फिर आपको लिखना है गाइस लो एंड इसके बाद देखो आपको ये वाला स्पेस देना है एंड इसके बाद देखो आपको लिखना है गाइस रैम, रैम के बाद आपको डॉट लगाना है एंड आपको मोड लगाना है ठीक है। आपको मोड लिखना है रो डॉट कॉन्फिग डॉट लो डॉट मतलब ये वाला डैश रैम डॉट मोड। सबसे पहली कमांड है आपको देखो सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। इसके बाद देखो आपको वैल्यू डालने का ऑप्शन आएगा, इस आपको देखो सब कुछ कट कर देना है। आप देखो आपको खुद से वैल्यू डालनी है, वैल्यू आपको डालनी है गाइस ट्रू TRUE। आपकी पहली कमांड जो है सेट हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं दूसरी कमांड के बारे में। दूसरी कमांड को अप्लाई करने के लिए आप कुछ नहीं करना, वही काम करना है आपको, ऐड न्यू सेटिंग पर क्लिक करना है एंड जो कुछ भी आता है उसको हटा देना है एंड आपको खुद से एक न्यू कमांड डालनी है जिसका नाम है देखो PERSIST, देखो SIST PERSIST.SYS.Capital में NV, जो भी बता रहा हूँ कैपिटल स्मॉल सेम टू सेम डालना गाइस अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो। एंड आपको अब सब कुछ कैपिटल में लिखना है पावर मोड ठीक है, आपको लिखना है गाइस पावर मोड MODE। देखो परसिस्ट जो कुछ भी है वो डालना है .SYS.NV एंड ये वाला आपको स्पेस देना जो मैंने दिया है, उसके बाद गाइस आपको कैपिटल में ही डालना है पावर मोड ठीक है। तो मैंने शायद मिस्टेक कर दी सॉरी, POWERMODE आपको डालना है, ये वाली डालनी है ठीक है। एंड देन आपको देखो सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना ठीक है। इसके बाद गाइस आपको इसकी वैल्यू डालनी है 1। अब गाइस देखो आपको दो कमांड जो है अप्लाई हो चुकी हैं, अब आपको देखो गाइस तीसरी कमांड डालनी है, उसको डालने के लिए कुछ नहीं करना, ऐड न्यू सेटिंग पर क्लिक करना है एंड आपको लॉग कैट डॉट लैब वाली कमांड डालनी है। आपको डालना होगा लॉग, इसके बाद कैट लॉग कैट, इसके बाद डॉट एंड इसके बाद आपको डालना है गाइस लाइव एंड लाइव के बाद आपको सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है ठीक है। एंड आपको इसकी वैल्यू डालनी है, वैल्यू होने वाली है इसकी डिसेबल DISABLE ठीक है। आपको इसकी वैल्यू डिसेबल डाल देनी है, सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है ठीक है। इसके बाद देखो आपकी तीन कमांड जो है डल चुकी हैं, इसके बाद आपको देखो फोर्थ नंबर वाली कमांड डालना है, वही करना होगा आपको ऐड न्यू सेटिंग पर क्लिक करना है एंड अब आपको देखो चौथे नंबर वाली कमांड डालनी है जो कि होने वाली है, आपको डालना है PERSIST
.sys.env एंड आपको स्पेस आपको डालना है, fps लिमिट वो भी आपको सब कुछ कैपिटल डालना है, nv भी कैपिटल में होगा एंड ये वाला स्पेस देना है एंड आपको डालना है fps लिमिट limit ठीक है limit। देखो persist.sys.mnv आपको कैपिटल में रहेगा, ये वाला स्पेस देना है एंड आपको डालना है fps ips मैंने डाल दिया एंड लिमिट limit ठीक है। इसके बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है एंड आपको वैल्यू डालने का ऑप्शन होगा, वैल्यू आपको डालनी है 60 ही डालनी है, 90 मत डाल देना ठीक है। इसके बाद आपके लास्ट नंबर वाली कमांड बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक एंड ओपी कमांड है। देखो उसके लिए कुछ नहीं करना गाइस, आपको दोबारा से ऐड न्यू सेटिंग पर क्लिक करना है एंड पाँचों नंबर वाली कमांड को अप्लाई करना है। कमांड होने वाली आपकी डीबग debug इसके बाद .high .performance performor एंड देखो mance .tuning tuningi एंड ये डालनी है आपको ठीक है। debug debug .high .performance एंड performance की स्पेलिंग वगैरह आप देख लो performor देखो मैंने सही डाली performance.tuning। पांचवें नंबर एक कमांड आपकी अप्लाई हो चुकी है, अब आपको वैल्यू डालनी है, वैल्यू आपको डालनी है गैस एक। देखो कमांड में एक का मतलब होता है वो ऑन हो गई, यस मतलब बोले तो इनेबल हो चुकी है ये कमांड आपका, एक से होता है इनेबल, वो काम करने लग जाएगी। आपको एक डाल के सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक कर दोगे अब आपकी सारी कुछ वैल्यू वगैरह अप्लाई हो चुकी है गाइस ठीक है, आपकी जो कमांड है वो अप्लाई हो चुकी है। अब आपको क्या कुछ करना है, आपको देखो अपने फ़ोन को रीबूट करना है। रीबूट कैसे करना है, जहाँ से आप फ़ोन को ऑन ऑफ करते हो उस पर क्लिक करना है एंड फ़ोन को आपको रीबूट कर लेना है। रीबूट जैसे ही करोगे फ़ोन आपका ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होकर ऑन होगा एंड आपकी कमांड अप्लाई हो जाएंगी पूरी तरीके से। उसके साथ ही देखो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना है जो कि टिप्स एंड ट्रिक आपके फ़ोन में होती हैं, तो वो आप फॉलो करोगे प्लस इन कमांड को भी यूज़ कर लेना। अब देखो टिप्स एंड ट्रिक तो वही है गाइस, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। आप देखो रैम को फ्री रखो एंड गेम खेलने से पहले फोर्स स्टॉप कर लो हर एक एप्लीकेशन को एंड उसके साथ ही देखो नोटिफिकेशन वगैरह ब्लॉक रखो। यही चार पांच मेन जो है टिप्स होती है फोन में, प्लस इन जो कमांड्स को यूज कर लो, आपका लैग फिक्स हो जाएगा। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही था, जब तक के लिए गाइस टाटा एंड बाय बाय। अगर आपको इसका पार्ट 3 चाहिए तो वो भी बता देना। लव यू ऑल।